स्पेशली ये चांदनी चौक एंड सरोजनी नगर से रिलेटेड ब्लॉग आप कह सकते हो। पहली नज़र में ही मैंने इसको रख लिया था, और स्पेशली चांदनी चौक में वो जो अरुण वस्त्र भंडार करके है एक दुकान, और ये है मेरे पतिदेव की पसंद, जो मैं जाऊंगी तो पहन के यही जाने वाली हूँ, जिसको स्टिचिंग। हम आते हैं मेरे फालतू के कपड़ों पे, आप फालतू ही कह सकते हो क्योंकि मैंने इतने ढेर सारे कपड़े ले रखे हैं कि मैं इसको कब पहनने वाली हूँ मुझे खुद भी नहीं पता। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अ वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू गाइस आर वेरी वेल। जैसे हाँ ठीक है कि ठंडी बहुत ज़्यादा है, बट ठंडी का अलग ही मजा है ना यार। ठंडी का हम लोग कितने ज़्यादा वेट कर रहे होते हैं, बट जब सर्दियाँ आ जाती हैं तो ऐसे लग रहा होता है उफ यार कब जाएगी। वैसे गर्मियों से अच्छा मुझे तो सर्दी ही लगता है, और सर्दियाँ तो मेरा फेवरेट सीज़न है। फिलहाल आज ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ, स्पेशली मैंने शॉपिंग क्या क्या करी है, और क्योंकि मैं पूरे 11 महीने बाद कहीं जाने वाली हूँ, मैंने नहीं सोचा था कि इसको सस्पेंस में रखूँगी कि कहाँ जाना है या क्या सीन है मेरा। बट अभी सडन मेरे दिमाग में आया कि नहीं ठीक है इसको सस्पेंस में रखते हैं। आप सारे लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ पूरे 11 महीने के बाद शादी के। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं बता नहीं सकती कि मेरे अंदर से कितने सारे चूहे कूद रहे हैं, और बस जल्दी वो भी ब्लॉग आने वाला है कि मैं कहाँ जाऊँगी और इतने दिन बाद। ओह माय गॉड, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। ये जो मेरा ब्लॉग है वो क्योंकि स्पेशली शॉपिंग से रिलेटेड है और मुझे जाना है, तो कुछ कुछ चीज़ें मैंने उससे भी रिलेटेड बाय कर ली हैं। तो स्पेशली ये चांदनी चौक एंड सरोजनी नगर से रिलेटेड ब्लॉग आप कह सकते हो। फिलहाल वैसा है नहीं क्योंकि मैंने बहुत सारी जगहों से बहुत सारी चीज़ें ले रखी हैं, और इसमें से बहुत सारी चीज़ें इधर उधर बिखर भी गई हैं। जिसको धुलना था मैंने धुलने डाल दिया है, कुछ जिसको देना था मैंने दे भी दिया है। तो लेकिन फिर भी आज ही मैं आई हूँ, और आज ही रात में मैं ये वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही हूँ, और क्योंकि मुझे कल ही अपलोड करना है, सो जल्दी जल्दी पहले देखते हैं कि मैंने क्या क्या चीज़ें ले रखी हैं। तो पहले शुरुआत करेंगे हम सूट से, फिर साड़ी पे, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ले रखी हैं तो उसमें घुस जाते हैं। उसमें घुसेंगे तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या क्या दिखाने वाली हूँ। ये सूट है जो कि मैंने चांदनी चौक से ले रखा हुआ है, वुलन सेम टाइप का मैंने मेरे लिए और मम्मी के लिए दोनों लोगों के लिए सेम टाइप का लिया है। तो एक ये है और एक ये है, तो मैं अभी कंफ्यूज हूँ कि मैं कौन सा लूँ और मम्मी को कौन सा दूँ। मम्मी तो बोलिए दोनों ही तुम ले लो, बट फिर भी मुझे देना है मम्मी को। मुझे ये मेरे लिए ये सही लग रहा है और मम्मी के लिए ये सही लग रहा है, तो मैंने ये वुलन दो सूट ही बस लिए हैं। कि मैं जयपुर भी गई थी बीच में घूमने के लिए, आपने फोटोज़ वगैरह एंड वीडियोज़ वगैरह देखे होंगे। तो मैंने जयपुर से ये दो कुर्तियाँ ली थी, सेम प्रिंट पे दो था, बस कलर चेंज है। और इसमें भी मैं पूरी तरीके से कंफ्यूज हूँ कि कौन सा मैं लूँगी कौन सा मम्मी, और क्योंकि मम्मी को मेरे ऊपर येलो बहुत अच्छा लगता है तो मुझे मालूम है कि वो मुझे येलो ही लेने वाली है। और इसके बाद आती है बारी साड़ियों की। ये साड़ी मुझे बहुत प्यारी लगी थी, सीरियसली मैं जब इसको देखी ना पहली नज़र में ही मैंने इसको रख लिया था, और स्पेशली चांदनी चौक में वो जो अरुण वस्त्र भंडार करके है एक दुकान, स्पेशली हम जब वहीं गए थे और वहीं से जो भी लेना था वहीं से लेके सीधे चले आए। बाकी ओ गॉड, चांदनी चौक तो पूरा लहंगे और साड़ी का मार्केट है। मैंने वहाँ पे कोई रिकॉर्डिंग नहीं करी थी क्योंकि न्यू ईयर के दिन ही मैं गई थी, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, हद से ज़्यादा भीड़ थी। ये साड़ी मुझे बहुत प्यारी लगी, मुझे तो पहले लगा ये नेट पे है, बट एज यू कैन सी ये बहुत ही सुंदर लगेगी। आई डोंट नो मैं ये लेने वाली भी हूँ या नहीं, मुझे नहीं मालूम, मुझे सीरियसली नहीं पता। और सेम चीज़ है बट कलर चेंज है, पिंक कलर में ये। और ये एक साड़ी मैंने ये ले रखी है क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि बहुत हल्की है और ये बहुत प्यारी है, पहनने पे बहुत अच्छी लगने वाली है। ये भी रेड है, मुझे सारे डार्क कलर में ही लेने थे, और ये साड़ी देने के पर्पज़ से था तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बट क्योंकि इन्होंने बोला कि रख लेते हैं तो डिफरेंट कलर भी हो जाएगा, तो इसलिए इसको भी मैंने ले लिया था। और उसके बाद ये साड़ी, ये मुझे उतनी नहीं अच्छी लगी बट थोड़ा सा डिफरेंट दिखा तो इसलिए मैंने इसको ले लिया। मम्मी को तो बिल्कुल नहीं पसंद आ रही है, ना उनको कलर अच्छा लग रहा है ना उनको टाइप अच्छा लग रहा है। ऐसे उनके पास ग्रीन या येलो में है भी नहीं, अभी सूट तो बाकी है। ये मेरी पसंद है, ये सूट
इसको अभी मैंने स्टिचिंग करवाने के लिए देना है। देखो मैं कब देती हूँ, कब वापस आएगा और कब मुझे जाना है, इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं है। और ये है मेरे पतिदेव की पसंद, ये उनको पहली नज़र में सूट अच्छा लग गया था। वैसे ये था तो अस्तर वाला, मुझे नहीं था कि मैं ये लेने वाली हूँ, पर क्योंकि इनकी पसंद थी इसलिए मैंने मना भी नहीं किया। तो ये मेरे दोनों सूट है, क्योंकि मुझे थोड़े बहुत हैवी लग रहे हैं, बट ठीक है सारे हल्के ही, थोड़ी कोई पहनता है। और एक सूट ये भी था, इसमें दो कलर था, एक येल्लो था एक ये था। हम क्या येल्लो तो बहुत ही मैंने पहन रखे हैं, सीरियसली बहुत ज़्यादा येल्लो हो गया है। मतलब मम्मी को मेरे ऊपर येल्लो अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इतने ज़्यादा चीज़ें येल्लो ले रखी हैं कि अब मेरा अंदर से मन ही नहीं हो रहा है येल्लो पहनने का, बट सीरियसली मेरे ऊपर येल्लो अच्छा लगता है। और एक साड़ी ये है जो मैं जाऊँगी तो पहन के यही जाने वाली हूँ, जिसको स्टिचिंग करवाने के लिए अब भी देना है। और देखिए ये वापस मुझे कब मिलने वाला है, ये उसके ब्लाउज है और ये साड़ी। ये साड़ी वैसे अंदर से बहुत प्यारी है, ये बाहर में मुझे देखने में नहीं अच्छी लग रही है। ये है पूरी साड़ी, पूरा दुल्हन वाला लुक आएगा। मतलब 11 महीने हो गए अभी भी मैं दुल्हनों वाले ही लुक में चल रही हूँ। सीरियसली मेरी देवरानी पता नहीं कब आने वाली है, जो भी ये वीडियो देख रहा है मेरे लिए एक देवरानी जल्दी से खोज के निकालो यार, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं घर में अकेली हो गई हूँ, मुझे देवरानी चाहिए घर में। अब हम आते हैं मेरे फालतू के कपड़ों पे। आप फालतू ही कह सकते हो, क्योंकि मैंने इतने ढेर सारे कपड़े ले रखे हैं कि मैं इसको कब पहनने वाली हूँ मुझे खुद भी नहीं पता, पर ठीक है मैंने ले रखे हैं। एक ये टॉप है, मुझे ये अच्छा लग रहा था। वैसे मुझे लॉन्ग टॉप्स ही वैसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो शॉर्ट पहनना नहीं अच्छा लगता मुझे। ये हाई नेक लिया था मैंने, सैंडल ये ले रखी थी मैंने मम्मा के लिए, जो कि उनको नहीं पता था कि मैं उनके लिए ही उनसे पसंद करवा रही हूँ, बट उन्हें जब पसंद आ गई तब उनको मैंने बताया कि आप ही के लिए था। ये बहुत प्यारा कलर था, आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, ये कलर तो मेरा फेवरेट ही हो गया है। मतलब शादी के बाद मुझे इस कलर में कोई भी चीज़ें मिल रही हैं बस मैं लेते ही जा रही हूँ। और ये मैंने लिया हुआ है दीदी के लिए, दीदी मेरी मतलब सिस्टर इन लॉ के लिए, ये भी मैंने उन्हीं के लिए ले रखा है। और ये जैकेट मैंने ले रखी है जिसको नहीं पता कि कौन पहनेगा, क्योंकि मुझे बहुत कम रेंज में मिल रहा था, इसलिए मैंने ऐसे ही तीन तीन जैकेट्स ले रखे हैं, तीन तीन, दो मैंने धुले डाल दिए हैं और एक ये है, इसको तो मैं बोरा बाबा ही कहती हूँ। ये मेरे से ना रखा जाता है, ना पहना जाता है, ना लिया जाता है, आई डोंट नो मैं ले क्यों ली हूँ। और ये है पतिदेव की पसंद, इनकी पसंद स्पेशली, उन्होंने बोला तुम्हारे ऊपर ये अच्छा लगेगा, शर्ट वगैरह पे तुम पहन सकती हो। देखो मैं शर्ट कब पहनने वाली हूँ, शर्ट मैंने शुरू से नहीं पहना उतना, टॉप्स पहन लेती हूँ, कुछ भी पहन लेती हूँ, शर्ट मैंने बहुत कम पहना, स्कूल टाइम में ही पहना था आई थिंक। और एक ये स्वेटर था जो मम्मी को बहुत पसंद आ रहा है, ऐसे तो मैंने बहुत सारे स्वेटर ले रखे हैं। ये है मैंने घर पहनने के लिए ऐसे ही ले रखा है, ये सेट है, मतलब सेट में है, नीचे का भी ये लोअर और सेम टाइप का पिंक कलर में मैंने लिया है। ये बच्चों वाली पसंद मेरी आज तक नहीं गई है, मतलब कुछ यू नो क्वीन का हो या कुछ फंकी स्टाइल में हो, ये सारी चीज़ें मैं आज भी पसंद करती आ रही हूँ और देखो आगे कब तक करने वाली हूँ। और ये भी इन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, बट मुझे ना इसकी लेंथ थोड़ी कम लग रही थी, बट क्योंकि इन्हें पसंद आया इसलिए मैंने इसको किसी और को देने का सोचा भी नहीं। मैंने इतने ढेर सारे ले रखे थे, मैं सोच रही थी कि किसी को जो भी जिसको पसंद आएगा दे दूँगी, बट जो इनको पसंद आ गई चीज़ें वो मैं किसी को नहीं देने वाली। ये एक वुलन कुर्ती मैंने ले रखी थी, ये है कुछ इस तरह, इसको मैं घर में पहन सकती हूँ। अब दोनों मैंने ऐसे लोअर ले रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर में, क्योंकि मुझे अच्छे लग रहे थे और घर पे भी मैं पहन सकती हूँ ऐसी थी। मैंने ये भी ले रखी है क्योंकि मम्मी को अच्छी लग रही है। एंड अगेन एक कुर्ती है, वो भी वुलन है, मैंने इतने सारे वुलन ले लिए यार, वुलन का काम बस महीने और रह गए।
माय गॉड, मैं तो इतने में ही थक गई। ये जो दुकान पे लोग दिखा रहे होते कपड़े, वो कैसे काम कर रहे होते यार? ये भी मैंने घर पे पहनने के लिए लिया है, ये वहाँ मैं पहन भी रही थी घर पे, ये क्यूट लग रहा था मुझे। देखो आज भी मेरी बच्चों वाली पसंद है, देखो तब तक कंटिन्यू रहने वाली है। और ये मैंने मेरे लिए गिफ्ट किया हुआ था क्योंकि मुझे बहुत प्यारा लगा। मेरे साइज से थोड़ी बड़ी है बट ठीक है, पता नहीं क्या पत्थर में और भी फैल जाओ तो भी वो चल जाने पाती है, इसलिए मैंने उसको ऐसे ही ले लिया कि ठीक है एक नंबर बड़ा रहेगा तो चलेगा भैया रहने दो। और ये जींस मैंने ली है दीदी के लिए, एज यू कैन सी उनको कुछ डिफरेंट चाहिए था सिंपल जींस से, उनको थोड़ा लूज चाहिए था, लूज मैंने खोजा मुझे मिला ही नहीं, नहीं मिला तो मैंने नहीं लिया। और एक स्टॉल लिया था, ऐसे स्टॉल तो मेरे पास, और फिर क्योंकि मैं मार्केट जाऊं और कुछ लूं ना तो बिना वजह मैंने ये ले लिया था अपने लिए। और बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि ये मुझे पहनने पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मैंने आने के बाद घर पे ट्राई भी किया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। एक ये भी लिया है वूलन स्वेटर जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और क्योंकि मम्मी को मेरे ऊपर येलो अच्छा लगता है तो मैंने एक नाइट सूट लिया है जिसको येलो लिया है, और उन्हें बहुत प्यारा लग रहा है। आज रात में ही इसको मैं पहनने वाली हूँ, सीरियसली ये मुझे भी बहुत प्यारा लग रहा था, पूरा सेट ही इसका बहुत प्यारा लग रहा है। इंस्टा या यूट्यूब आप स्क्रॉल करोगे तो सारी वीडियोस ऐसे ही आपको मिलने वाली है। फिलहाल मुझे अच्छी लग रही थी इसलिए मैंने भी ले ली। जयपुर से मेरे लिए ये सैंडल ले रखी थी, मुझे बहुत प्यारी लग रही थी ये सैंडल, क्योंकि कुर्ती वगैरह पर मैं पहन सकती हूँ और अब हर जगह आंटी टाइप वाला लुक तो देंगे नहीं, मेरे पास सारे सैंडल्स वैसे ही हो रखे हैं, मुझे पहनना सिर्फ एक ही होता है, उसको घसीट घसीट के जब तक मैं तोड़ ना दूँ, चेंज तो करने से रही, तो ये मुझे प्यारी लग रही है तो इसलिए अब इसके पीछे मुझे दौड़ना है, मतलब मैं अब इसको तोड़ने वाली हूँ। क्योंकि मेरे पास जो चीज़ें नहीं आ जाती हैं और कोई अच्छी लग गई तो मैं बस उसी पर शुरू हो जाती हूँ। और फिर मैंने लिया था पापा के लिए एक टोपी, और मैंने ऐसा कोई इंसान नहीं है घर का जिसके लिए कुछ ना लिया हो इस बार, मतलब समझदार वो हो गई हूँ मैं थोड़ी सी। और उसके बाद मैंने लिया हुआ था वाइट हाईनेक, जो कि मुझे वाइट बहुत ज़्यादा पसंद है और मैंने दो तीन ले रखे हैं, दो तो मैंने धुल्ले डाल दिए, एक ये है और ये कलर इनको पसंद आ रहा था, एक मैंने ऑलरेडी ले रखा था और दोबारा जब मैं गई मार्केट तो एक और लेके आई सेम कलर में, ये भी नॉर्मल सिंपल सा हाईनेक ही है, और क्योंकि मेरे से ठंडियों में कुछ और पहना जाता तो नहीं है, बट फिर भी मैंने एक मेरे लिए क्यूट सी टोपी ले रखी है इसमें थोड़े बहुत सितारे हैं। मम्मी को कलर नहीं पसंद आ रहा है बट वो मेरे से डायरेक्ट बोल भी नहीं है, उनको थोड़ा चाहिए था डार्क कलर लेना था। और एक ये मैंने स्टॉल ले रखा है क्योंकि मुझे प्यारा लग रहा था, इसको तो बस ये चीज़ देख के मैंने लिया, वरना स्टॉल तो बहुत ज़्यादा है। ये लिया हुआ है आयुषी दीदी के लिए, उनको कुछ क्रॉप चाहिए था भैया, मुझे ये मिल गया टॉप में, अंदर से वो अगर ब्लैक कलर का हाईनेक वगैरह कुछ भी अगर डालती हैं उसके ऊपर ये पहनेंगी तो बहुत प्यारा लगेगा। सो दैट्स ऑल, बहुत सारी चीज़ें अभी भी बची हैं, मैं थक गई हूँ, और कुछ चीज़ें मैंने धुल्ले डाल दी हैं, कुछ चीज़ें मैंने किसी और बैग में रखी थी। एक मिनट, मैं आपको दिखाने वाली हूँ मैं किस बैग में लेके आई थी। ये है वो बड़ा सा बैग जिसमें मैं भर के दिल्ली से लेके अकेले इसको आई हूँ। मैंने बहुत सारी दिक्कतें झेली रास्ते में भी, पूरे टाइम इसको सीट पे रखना पड़ा क्योंकि नीचे रखने की जगह नहीं मिली मुझे ट्रेन में, उसके बाद उतारने में चढ़ाने में, ओ माय गॉड मैं बहुत डांट सुनी हूँ उस झोले को लाने में। फिलहाल ये थी मेरी शॉपिंग, और मुझे जाना कहाँ है आप मुझे ज़रूर मेंशन करना, और इन सारी चीज़ों में आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। ऐसे तो इतने सारे कपड़े देख के आपके भी दिमाग घूम गए होंगे कि यार कौन सा कहूँ कि अच्छा लग रहा है, बट ठीक है आप बैक करके जाओ, देखो फिर से चीज़ें कि कौन कौन सी मैंने ले रखी हैं, फिर मुझे मेंशन करके बताइएगा कि आपको कौन सी चीज़ें अच्छी लगी। वैसे मुझे सबसे ज़्यादा इतनी सारी चीज़ों में येलो वाला नाइट सूट ये सबसे प्यारा लगा, और एक मिनट ये रेड वाला सूट, ये दो जो हैं वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगे। तो ऐसे ही कोई आप भी काउंट करके बताओ मुझे कि आपको कौन से सबसे ज़्यादा अच्छे लगे। फिलहाल मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, मुझे ज़रूर बताना कि आपके हिसाब से मैं कहाँ जाने वाली हूँ,
शादी के पूरे 11 महीने बाद। टिल देन बाय। आई होप यू एंजॉय द वीडियो, एंड अगर नहीं एंजॉय किया तो आप मुझे मेंशन करके बताओ कि मैं क्या और इंटरेस्टिंग अपने चैनल पे कर सकती हूँ। फिलहाल के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।